हाय बच्चों, मैं हूँ हरीश सर और मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 और ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है और आप सभी बच्चों को आता भी होगा। मैं ये नहीं कहता नहीं आता, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सीखें और दूसरों को सिखाए, और आपको आता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप दूसरों को जरूर बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर एक नंबर हमें प्रोवाइड करना है सच दैट 2/3 × और इसका जो रिजल्ट आया 10/30 आया है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बोलता हूँ तो आपको मैं बोलूँगा, देखिए 2 की टेबल आपको लेनी, काउंट करनी है और देखना ये कहाँ पर आता है। ठीक है बच्चों, ये नंबर 10 कहाँ पे आता है? जी हाँ, ये आता है 5 पे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आप रेशियो का साइन लगाएंगे और अब देखिए 3 की टेबल काउंट करनी है, तो 3 की टेबल में 30 कहाँ पे आएगा? जी 10 पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अब देखिए यहाँ पर अब लिखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेंड इन। आप देखिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है यहाँ पर, ऑब्टेंड यानी ये जो बॉक्स है ना, इसमें जो भी नंबर आया उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी वो हमें लिखनी है। ठीक है, हम यहाँ पर वो नंबर लिख देते। देखिए यहाँ पर लिखा 5/10, ये जो नंबर आया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो 1/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट भी हो गया ए का, यानी ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये दोनों पार्ट हो गया। आइए बी पर चलते हैं। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट, इस टाइप से कि 3/5 को मल्टीप्लाई किए तो 24/75 आ जाए। अब देखिए 3, अब इसका मतलब 3 की टेबल में ये 24 आता है। जी हाँ, 3 8 जा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, हमने लिख दिया है, और यहाँ पर आप देखिए 75 लिखा है तो 5, यानी 5 की टेबल काउंट करेंगे, देखना 75 कहाँ पे आता है। अब आप कहेंगे सर हमने तो 5 की टेबल 10 तक ही काउंट किए, 5 10 = 50, 5 11 = 55, हमने आगे काउंट ही नहीं किए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए ये 75 है ना, इसको फर्स्ट नंबर से आपको उसको डिवाइड कर दे तो नंबर आ जाएगा 5 1 = 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आया 2 और नीचे डाउन किया 5 5 = 25, ये आ गया तो 15 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 15, यानी 15 5 क्या होता है 75 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब लिखा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेंड इन, अब इस बॉक्स के अंदर जो नंबर हमें मिला है, जो हमने नंबर लिया है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखें कैसे, यहाँ पर आ गया हमारा 8/15। अब ये ना तो 8 की टेबल में 15 आएगा, ना 15 की टेबल में 8 आएगा, ना कोई ऐसा टेबल है जिसकी टेबल में दोनों मल्टीपल्स हों, तो हम क्या करेंगे, ये ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया सोल्व। आपको फिर वही बात, इसमें से प्रैक्टिस कर डालिए, मत जी चुराइए मैथ से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करके दूसरों को सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।